पुर्तगीज लैंग्वेज में इनकी बताई है हिस्ट्री वगैरह। कोई बंदा था, उन्होंने जो है इनका एक मुजस्मा बकायदा क्रिएट किया और इन्होंने चर्च के अंदर रखा हुआ है। अब जिस तरह आप देख सकते हैं, ये इन्होंने एक मुजस्मा क्या रखा है। अस्सलामु अलैकुम। इस टाइम जो है हम लोग एक बहुत हिस्टोरिकल और फेमस चर्च के बाहर खड़े हुए हैं। दूसरे रिलीजियस प्लेसेस जो होते हैं, जिस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी का रिलीजियस प्लेस है चर्च, जिस तरह हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में मस्जिद होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे पूछते थे कि माजिद भाई पुर्तगाल के अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से पाकिस्तान में बिलोंग करते हैं, कि माजिद भाई पुर्तगाल में चर्च बने हुए हैं या नहीं बने हुए। तो आज जो है काफ़ी फेमस चर्च में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, और इसके अंदर मेरे कुछ दोस्तों ने विज़िट किया और उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा जो है हिस्टोरिकल चीज़ें इन्होंने महफूज करके रखी हुई हैं। चर्च एक इबादत गाह है क्रिश्चियन कम्युनिटी में, एहतराम हम हर इबादत गाह का करते हैं, तो अंदर हो सकता है इबादत चल रही हो और लोग जो हैं अंदर हों, तो हम लोग ज़्यादा तेज़ आवाज़ में वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को दिखाएंगे कि अंदर चर्च के अंदर किस तरह का जो है एनवायरनमेंट है और अंदर जो है क्या उन्होंने हिस्ट्री अपनी रखी हुई है। तो अभी मेरे साथ अहमद भी है और हम लोग जा रहे हैं चर्च के अंदर। इसी तरह जो है हम लोग डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस, डिफरेंट कल्चर आप लोगों को दिखाएंगे आने वाली कुछ वीडियोस में, ताकि जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मेरी खाली कम्युनिटी में मुस्लिम्स नहीं हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी लोग हैं, और वो लोग हमेशा पूछते हैं कि माजी भाई हम लोग अगर पुर्तगाल मूव होते हैं तो पुर्तगाल तो आप लोगों को पता है अक्सरियत तादाद यहाँ पर जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी की है। तो चर्च के अंदर अभी चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह का बना हुआ है। तो अहमद भाई चलें अभी अंदर, चलो अभी भाई अंदर चलते हैं। ये मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मेरे बैक साइड पर बना हुआ है और कुछ इस तरह का गेट है इसका। बिल्डिंग काफ़ी ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग जो है बाहर निकल रहे हैं और अभी जो है हम लोग अंदर जाने के लिए रेडी हैं। अहमद भाई दरवाज़ा खोलें। आप लोग देख सकते हैं ये चर्च है और काफ़ी बड़ा बना हुआ है, और इसको अभी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। देखें जगह जगह इन्होंने जो है अपनी, जिस तरह इनका कल्चर है उस हिसाब से इन्होंने जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर ये लोग जीसस बोलते हैं, और जीसस के हवाले से इधर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुजस्मे बनाए हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे चल के, क्योंकि हमें चर्च के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ में बात करेंगे तो यहाँ पर लोग मना कर देते हैं, तो थोड़ी सी हल्की वॉइस होगी, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ चर्च इधर क्या क्या है अंदर चीज़ें। तो भाई ये एक चर्च बना हुआ है और ये मैं पहली बार लाइफ में चर्च पे आया हूँ। क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये चर्च है और आप इन्होंने ये जो है मुजस्मे बनाए हुए जो कि इनके रिलीजियस से मुतल्लिक हैं। यहाँ पे लोग इबादत करने आते हैं, कुर्सियाँ लगाई हुई हैं इन्होंने अपनी। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये लोग जेसिस बोलते हैं, इन्होंने अपनी कोई ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में मुजस्मे बनाए हुए। अभी हम लोग एक चर्च में आए हैं और इस चर्च के अंदर इन्होंने एक थोड़ी सी गैलरी टाइप भी बनाई हुई है, जिसके अंदर जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर जो है जीसस ये लोग जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बोलते हैं, उनका इन्होंने थोड़े से उनके बारे में चीज़ें बताई हुई हैं यहाँ पे, और ये थोड़ा सा इन्होंने पुर्तगीज़ लैंग्वेज में इनकी बताई है हिस्ट्री वगैरह। कोई बंदा था, उन्होंने जो है इनका एक मुजस्मा बकायदा क्रिएट किया और इन्होंने चर्च के अंदर रखा हुआ है।
अब तो जिस तरह आप देख सकते हैं ये इन्होंने एक बनाया है, बनाने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ये निशान किए, जिस तरह बाकायदा बताया जाता है, जिस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये लोग बताते हैं कि वो कीलर ठोक के जो है लटका दिया गया था, और उस बाकायदा इन्होंने उसी तरह शो ऑफ करके आप देखेंगे करीब से अगर अमन दिखाए तो इन्होंने बाकायदा कीलों के निशान बनाए हैं। ये एक मुजस्मा बनाया है इन्होंने, और काफ़ी ज़्यादा अगर अहमद आपको कैमरे से देखा है उन्होंने हिस्ट्री लगाई है यहाँ पर। अब ये पुर्तगीज लैंग्वेज में लिखी हुई है और इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चल रहा, लेकिन बाकायदा कुछ एक्सरेस वगैरह इन्होंने लगाए हैं कि ये हड्डी टूटी, ये टूटी, उसके बाद जो है ये वो उन्होंने कीले और वो रस्सियाँ जिससे मेरे ख्याल से बांधा गया था वो, अब ये पता नहीं रियल है या इन्होंने डमी टाइप लगाया हुआ है बताने के लिए, वो इन्होंने यहाँ पे शो करा हुआ है। और दूसरा इस चीज़ के बारे में मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। ये जिस तरह हमारे वहाँ पे कीकर का एक दरख्त होता है जिसमें कांटे लगे होते हैं, वो कीकर के दरख्त की जो है छोटी छोटी टहनियाँ वो लगाई हुई हैं। और अच्छा तो ये जो है कैप है बाकायदा वहाँ पे आगे बना हुआ है, कैप जिस तरह होती है सर पे पहनने वाली, तो इन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है कि जीसस की ये कैप है। तो ये रस्म है, अभी मैं आप लोगों को बाहर से भी चर्च दिखाता हूँ, वैसे लोग प्रेयर कर रहे हैं जिस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी में चर्च, जिस तरह हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में मस्जिद एक एहतराम की जगह है, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी में चर्च भी इनके लिए बहुत एहतराम की जगह है। अभी ये यहाँ पे बाहर इबादत में लगे हुए हैं, लोग अब आके दुआ कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत दिखाऊँ चर्च किस तरह का बना हुआ है। कुछ चीज़ें इन्होंने शो की हुई हैं, जिस तरह हमारी मसाजिद के अंदर रिलीजियस प्लेस में डोनेशन के लिए बॉक्स रखे जाते हैं, चर्च के अंदर भी इन्होंने जो है बॉक्स रखे हुए डोनेशन के लिए, आप इधर डोनेशन दे सकते हैं अपनी, और बाकायदा कार्ड का सिस्टम है और एमपीए का सिस्टम है, आप इधर अपनी डोनेशन दे सकते हैं।